तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो आज अपन जाने वाले हैं नेदर के अंदर, क्योंकि मुझे चाहिए कॉर्ड्स के, उसी से बनेंगे मेरे ऑब्जर्वर, जिसकी मदद से मैं अलग अलग और भी ज़्यादा फार्म बना पाऊंगा, जैसे कुक्ड चिकन फार्म हो गया, या फिर बेम्बू फार्म हो गया, या फिर शुगर केन फार्म हो गया। बहुत सारे फार्म हैं जो कि ऑब्जर्वर की हेल्प से ही बन सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो के अंदर और चलते हैं नेदर के अंदर। तो दोस्तों, अपन यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। मैंने काफ़ी AFK किया है इस जगह पे, इसीलिए मैं यहीं पे स्पॉन हुआ। मैं दिखाता हूँ विलेजर, देखिए आप कितने सारे विलेजर हो चुके हैं। लास्ट अपन ने फार्म बनाया था, उस टाइम भी अपन ने काफ़ी देर AFK भी किया था। उसके बाद में उसकी वजह से मैं आपको इधर से विलेजर दिखाता हूँ, कितने सारे यहाँ पे विलेजर हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आ भी नहीं रहे हैं, इतने ज़्यादा विलेजर हो चुके हैं। तो इनको बाद में अपन ट्रांसफ़र करेंगे, पहले चलेंगे आज अपन सबसे पहले नेदर के अंदर। ठीक है, तो नेदर के अंदर चलने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मैं थोड़ा बहुत अपनी वर्ल्ड की प्रोग्रेस दिखा देता हूँ कि मैंने कितनी कितनी प्रोग्रेस कर ली है, और वहाँ के लिए आपको क्या क्या नीड पड़ेगी। फटाफट से चलते हैं इसके अंदर। ये तो मेरे शुगर केन फार्म है, ये तो मेरा नॉर्मल कैरेट फार्म है, जिनकी अब मेरे को ज़्यादा नीड नहीं है। और यहाँ पर मैंने शीप, आपको पता ही है, और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी फार्मिंग की है ऑफलाइन। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अभी तक मेरा फार्मिंग यहाँ पर हो ही चल ही रही है। और मैंने यहाँ पे की पटेटो की भी की, मैंने कैरेट की भी की, और ये सब भी की मैंने काफ़ी सारी की। बाकी के जो एक्स्ट्रा बच रहे थे उनको मैंने बैक कर लिया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी थोड़ी पटेटो अपन ले लेते हैं, ताकि अपन उनको बैक कर सकें। ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे मेरे ख़त्म हो गए। मैं इधर इधर थोड़ा बहुत मेरा वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा था, और मैं दिखाता हूँ आपको मेरे इतने सारे के मैंने AFK भी कैसे किया है। आई थिंक सूरज डूब रहा है, मैं फटाफट से बेड ले लेता हूँ। आई थिंक उधर ही मेरा बेड भी पड़ा होगा, जब मैंने AFK उधर भी किया था तब। या मेरा बेड भी इधर ही है। तो फटाफट से एक काम करेंगे, यहीं पे सबसे पहले सो जाएंगे अपन, बिना कोई देरी किए अपन। तो फटाफट से अपन यहाँ पे सो चुके हैं, इस बेड को अपन फटाफट से निकालते हैं। और सबसे पहले मैं इनको पकने के लिए डालता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ मैंने क्या क्या इसके अंदर वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रेस मैंने एग्जैक्टली मैंने की है, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अपन सबसे पहले जाएंगे अंदर, और यहाँ पे मैं रख दूंगा इनको पकने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने काम की है नहीं, ये मैंने उधर किया था, कुछ प्रोग्रेस किया था, मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन को चाहिए होगी एक, सबसे पहले मेरी पिकेक्स, ये वाली पिकेक्स ले लेते हैं, और थोड़े से ये आयरन इंगट ले लेते हैं, और स्टिक्स अपने पास में ऑलरेडी पड़ी है, क्राफ्टिंग टेबल पड़ी है, ये वाली सारी चीज़ें मैं रखवा दूंगा। तो ये वाली तो यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ, डायमंड अपना पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे जाके वर्ल्ड प्रोग्रेस दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने जो वो वाला आइलैंड है, वो मैंने पूरा का पूरा मैंने उसको साफ कर दिया। मेरे को बहुत टाइम लगा था उस वाली चीज़ के लिए, इसी वजह से मेरा विलेजर फार्म काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी हो गया, क्योंकि मैंने काफ़ी देर AFK किया था। वरना मैं जितनी प्रोग्रेस बस आपके साथ में करता था उतनी करता था। और यहाँ पर ये एक बी फंसी है, तो उसका मैं कुछ करूँगा नहीं अभी के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने विलेजर्स तो देखे ही थे, और मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया, जितना भी आपने देखा था। ठीक है, उसको मैंने पूरा क्लीन करके यहाँ पे टॉर्चेस लगा दी, चारकोल मैंने बना बना के यहाँ पे टॉर्चेस लगाई है, क्योंकि कोल मेरे पास में ज़्यादा था नहीं। तो अगर चारकोल आपको नहीं पता तो कैसे बनता है, तो आप नीचे नॉर्मल प्लैंक रख दो, और ऊपर पूरा कोई भी ओक लॉग रख दो, पूरा पूरा लॉग रख दो, तो आपको चारकोल मिल जाता है उससे। ठीक है, ये वाला उसका रेसिपी होता है चारकोल का, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत कम लोग बनाते हैं इसको, क्योंकि लोग कोल का ही यूज़ करते हैं, बट इसका भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट से अपना सब कुछ थोड़ा बहुत तो पक चुका होगा, इसको 8 को ले लेते हैं एक बार अपन, थोड़ा और ले लेते हैं। और हाँ, उससे पहले अपन को चाहिए होगा थोड़ा सा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के अपन को बनाने पड़ेंगे बूट्स। ठीक है, तो अपन को कुछ ना कुछ गोल्ड का पहन के रखना ही पड़ता है उसके अंदर। तो यहाँ पे अपन गोल्ड ले लेते हैं, और थोड़ा बहुत गोल्ड अपन साथ में बाद में कैरी कर लेंगे, उधर ले लेंगे बाद में। और पिकेक्स अपने पास में है, और स्टोन अपने पास में है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे। और हाँ सॉरी, मैं ये बताना भूल गया कि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वो भी इकट्ठे कर वो डर्ट भी मैंने काफ़ी सारी मेरी इकट्ठी हो चुकी है वहाँ पे। तो ये पहन लेते हैं सबसे पहले, और आई थिंक ये तीन और बहुत है। और ऐसे तो अपने पास में मटन भी है, ठीक है, और फ्लिंट एंड स्टील अपने पास में है, बेड अपने पास में है। तो बेड का स्पॉन अपन जस्ट उसके पास में ही करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि नेदर के अंदर जो अपना बेड होता है वो एक्सप्लॉयड हो जाता है, वो ठीक है एक्सप्लोर हो जाता है। तो अपन फटाफट से चलते हैं और मिलता हूँ नेदर के पास में। तो यहाँ पे मैं नेदर की वाली जगह पे पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा नेदर है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें हैं मेरी। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इस वाली जगह को थोड़ा सा लाइट अप करने का ट्राई करेंगे, इसको तोड़ देते हैं यहाँ पे, लाइट अप करके इधर ही अपना बेड लगा देते हैं। ठीक है,
और एक यहाँ पे रख देंगे अपन अपनी क्राफ्टिंग टेबल रख के। सबसे पहले अपने पास में थोड़े प्लैंग नहीं है अपने पास में, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़े से ऊपर से प्लैंग लेके आता हूँ पहले, उसके बाद में मैं आपसे वापस से मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत प्लैंक्स अपने साथ में लेके आ गया हूँ। प्लैंक से मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। सबसे पहले इधर से बनाऊँगा ये थोड़े बहुत, और फिर यहाँ पे रखूँगा दो, बनाऊँगा मैं दो चेस्ट, ठीक है। चेस्ट से मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। तो एक जो चेस्ट होगी वो रखूँगा मैं इस जगह के ऊपर, ताकि मैं अपना सारा का सारा सामान, जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो रख सकूं, और एक चेस्ट रखूंगा उस साइड में। आप हमेशा ध्यान रखना, आप थोड़ा सा सेफ लेके चलना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भी सेफ नहीं है बिगनर प्लेयर के लिए। मैं भी ज़्यादा नहीं खेला हूँ इसलिए मैं अपना लेके चलूँ। और यहाँ पर अपना लाइटअप हो चुका है, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं उस पार अपन। तो यहाँ पे अपना नेदर के अंदर अपन आप देख सकते हो आ चुके हैं, और काफ़ी बढ़िया स्पॉन आया अपने पास में। ऊपर ही ग्लो स्टोन है, तो ग्लो स्टोन का सबसे बढ़िया लेने का तरीका यही है कि आप या फिर सिल्कटस वाली पिकेक्स रखो, तो या फिर कुछ और रखो। अपन ने गोल्ड पहन रखा है, तो ये पिगलिंस अपन को कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और काफ़ी सारा यहाँ पे गोल्ड भी है, और काफ़ी सारा यहाँ पे ये भी है, ग्लो स्टोन भी है, तो अपने लिए काफ़ी अच्छा होगा अब से। और एक चेस्ट जो मैं लेके आया था दूसरी वाली, उसको मैं रखूँगा इस जगह के ऊपर। तो इसको मैं रख दूँगा इस जगह पे रख दूँगा, ताकि मैं इसको आराम से कर सकूँ। तो यहाँ पे अपना ये जोम्बी फाइट पिगलिन आ चुका है यहाँ पे, तो इसको अपन डिफीट करेंगे फटाफट से इस वाली चीज़ से। और वो जा चुका है उसके अंदर, लोल भाई। तो अब आएगा मज़ा, जब आप अपन उधर जाएंगे तो वो वहाँ पे अपन को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जिस काम के लिए आया था वो मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं तोड़ूंगा मेरे लिए थोड़े से क्वार्ट्स, क्योंकि मेरे को चाहिए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है ये भी सेव करके रख लेता हूँ एक बार, ताकि मेरे लिए काफ़ी ईजी रहेगा ये वाली चीज़ ढूंढना। वापस से मैं अपना पोर्टल ना घूमूँ, तो ये वाली मैं रख लेता हूँ, -27 एंड -10 जेड, -10। तो 27 एंड -10, 27 एंड -10, ठीक है। बाकी मैं अगर मैं घूमूंगा तो मैं वीडियो पॉज करके भी देख लूँगा, तो उसका कोई सीन नहीं है। तो आप अपना कोऑर्डिनेट ऑन रख लेना, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं अपन इसको, पूरा का पूरा खोदते हैं। अपन को ज़्यादा नहीं चाहिए इन सब के, अपन को बनाने हैं, अपन को सिर्फ एक ही काम है, वो है ऑब्जर्वर बनाना। क्योंकि ऑब्जर्वर से ही मेरे आगे के काफ़ी सारे फार्म बनेंगे। उस वजह से मेरे फार्म अटक रहे थे काफ़ी, तो मैंने सोचा पहले नेदर वाली चीज़ ही कर ही लेते हैं, जिससे अपना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में गोल्ड भी है, तो गोल्ड के लिए मैं अपने साथ में पिकेक्स ऑलरेडी लेके आया था। तो पिकेक्स से अपन क्या करेंगे, फटाफट से इस गोल्ड को भी तो माइन कर लेंगे फटाफट से। और आप इस गोल्ड को वैसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक बार ट्रेडिंग होल अगर आपने बना लिया है, तो आप फॉर्चून पिकेक्स से भी इसका कर सकते हो। पर मैं ये लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पिगलिन के साथ में मेरे को थोड़ी सी ट्रेड करनी है, ठीक है। तो फटाफट से इसको खोद, लोल मैं मर गया, सेट मैं मर चुका हूँ यहाँ पे, मैं पूरा का पूरा मर चुका हूँ यहाँ पे। और वो वहाँ पे जा चुका है, मेरा सारा आइटम जा चुका है, आप देख सकते हो। ये वाली चीज़ वापस से आप कभी गलती मत करना, मेरे को इतना बुरा लग रहा है। अब मैं यहाँ से ऊपर भी कैसे जाऊँगा मेरे को ये भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास में बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है, मेरे पास में बिल्कुल भी बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है। और ये तो कांड हो गया मेरे साथ में, ये तो मेरे साथ में कांड हो गया। तो एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ, ताकि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें वापस से मैं क्राफ्ट कर सकूँ। बहुत बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ में, मैं पूरा का पूरा मैं जल चुका हूँ अब। चलो अच्छा हुआ अपन के पास में वैसे कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, बट अपने पास में अब गोल्ड भी नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ये पूरा का पूरा खोद के मैं घर जाता हूँ, और फिर थोड़ा बहुत गोल्ड और का आइटम मैं वापस से बना के लेके आता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से जाता हूँ मैं घर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेरे वापस से जगह पे, मैं थोड़ा बहुत सामान वापस से बना के लेके आ गया नया नया, ठीक है। थोड़ी बहुत स्टिक रख ली है मैंने, थोड़े बहुत ओगलोग और भी ये सारी चीज़ें भी रख ली, मैंने एक बकेट भी रख ली है इन द केस, ठीक है। और मैंने एक बूट भी पहन लिया है गोल्ड का, ठीक है। तो वापस से चलते हैं इसके अंदर। तो ये वाली चीज़ आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देख आज आपने जैसा देखा कि मेरे साथ में भी ये वाली चीज़ हो गई थी, तो आपके साथ में भी हो सकती है। चल थोड़ा उधर, चल उधर। ये पता नहीं मेरे को क्यों मारा, पर ये मारा मेरे को। अपन इसको थोड़ा उठा लेते हैं, तीन तो ये हो गए। और अपन गए किधर से थे, नीचे की साइड में, ये अपन इस साइड से नीचे में गए थे भाई साहब। रुको मैं इधर से वापस से ना गिरूँ, इसको मैं थोड़ा सा ब्लॉक को रख लेता हूँ मेरे पास में। अब मेरे पास में कुछ
कोबल स्टोन भी नहीं है, मैं कोबल स्टोन लाना भूल चुका हूँ। तो अपने पास में यही और थोड़े बहुत अपन ये वाले लेंगे ले लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इससे खोदते हैं फटाफट से और इसको कलेक्ट करते हैं, और इसको कलेक्ट करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं। अपन को उसके जस्ट नीचे तो खड़ा होना ही नहीं है। अब मैं पहले ब्लॉक को खोदूंगा, उसके बाद में कुछ करूंगा। मैं नहीं कर रहा भाई ऐसा, मैंने गलती कर दी वापस से, मैं सेम गलती नहीं दोहराऊंगा। इतना पागल नहीं हूँ मैं कि एक ही गलती बार बार दोहराऊँ। तो वापस से करते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे अभी खड़ा होता तो मैं जाता डायरेक्ट नीचे। तो एक काम करते हैं, अपन बिल्डिंग ब्लॉक भी यही रख लेते हैं अपने पास में, और थोड़े बहुत ये इकट्ठे भी कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़े बहुत अपन ये भी तोड़ ही लेते हैं। वैसे मेरा स्पॉन वैसे तो काफ़ी गंदा भी है, क्योंकि पूरा नीचे की साइड में लावा है और उधर अपना बोन मील का वो वाला सीन है। तो उधर अपन ब्रीजिंग करके अपन जा सकते हैं, पर उसके लिए अपन को ढेर सारी चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले तो ये तोड़ते हैं सबसे पहले, ताकि मेरे पास में थोड़े बहुत ग्लो स्टोन्स आ जाए। फटाफट से तोड़ता हूँ मैं इनको, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में पिगलिन से थोड़ा बहुत मैं गोल्ड भी इकट्ठा कर ही लूँ, ताकि मैं पिगलिन से है ना फाइट कर, मतलब पिगलिन के साथ में ट्रेड कर सकूँ। मैं आपको बताता हूँ पिगलिन के साथ में ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से गोल्ड वाली निकालते हैं पिकेक्स अपनी, और इसको थोड़ा तोड़ते हैं यहाँ पे, ऐसे तोड़ लेते हैं इसको, यहाँ से तोड़ के ऊपर की साइड में जाके रुको, ऐसे करके तोड़ते हैं और इधर से ऊपर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये सारी जगह पे जाने के बाद में, ओ नो, यहाँ पे गिर चुके हैं अपन। और वहाँ पे ऊपर की साइड में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अपन जा सकते हैं ऊपर की साइड में, पर मैं उधर नहीं जा रहा, मैं उधर की पीछे की साइड में जाऊँगा सबसे पहले, ताकि उधर उधर चेक कर सकते हैं अपन कैसा होता है। तो अपने पास में जैसे गोल्ड है ना इतना सारा, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे है ना मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, मैं वहीं से बना के लाया था, मैं क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं बनाया था मैं। तो अपन ये काम करते हैं, इन स्टिक को ऊपर रख देते हैं और एक क्राफ्टिंग टेबल रख के मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ गोल्ड का इंगट, एक ही बनेगा मुझे पता है, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करेंगे, किधर गया वो पिगलिन, जो एक और अभी एक पिगलिन था ना अपना, पिगलिन किधर गया, वो जो पिगलिन था अजीब सही, अब वो मुझे पता नहीं है, वो वापस से मेरे वाले वर्ल्ड में ट्रांसफ़र ना हो गया हूँ, मुझे इसी चीज़ का बस डर है। और इधर से मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, इधर से मेरे को वापस से डर लग रहा है, तो मैं तो नहीं जा रहा इस साइड में, ठीक है। तो वो वाला अगर पिगलिन अपन को मिलेगा ना, तो उसको अपन वापस से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले काम करते हैं, फटाफट से कुछ बिल्डिंग ब्लॉक इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो अच्छे खासे अपने पास में बिल्डिंग ब्लॉक हो गए हैं, आई थिंक इतने वाले में तो मैं उधर से उधर पहुंच ही जाऊंगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अपन ब्रीजिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन को शिफ्ट नहीं छोड़ना है सबसे पहले, तो इसको फटाफट से 1 2 3 इसको फटाफट से ब्रीज करता हूँ मैं। मैंने ब्रीजिंग करके यहाँ पे एक अच्छा खासा रास्ता मैंने वैसे तो बना लिया है, पर एक काम करते हैं यहाँ पे इस रास्ते को और थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, ताकि अपन को आने जाने में थोड़ा और इजी लगे ये वाली चीज़ है जो। और इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं और ज़्यादा, ठीक है। और इसको भी थोड़ा यहाँ से क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये और भी अपने लिए ईजी हो जाएगा, इसको पूरा साफ़ कर देते हैं। अब अपन के पास में उधर की साइड में मैंने देखे थे ये रे बोन ब्लॉक, और साथ में चाहिए अपन को सोल स्टोन, सॉरी सोल सैंड, क्योंकि इसी से अपना जो अपन को स्केलेटन का फार्म मिला था, अपन इसी से आगे ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं आई थिंक एक वो था स्केलेटन था, पता नहीं, इसको फटाफट से कलेक्ट करते हैं। ये काफ़ी सारा अपने पास में बोन मील हो जाएगा, इससे आपको पता भी नहीं होगा इतना ज़्यादा बोन मील हो जाएगा। और इसकी आवाज़ सुनो कैसे लगती है, ऐसा लगता है जैसे कोई क्रिकेट की किसी की गिल्लियाँ उड़ा रहे हो अपन, तो एकदम एग्जैक्टली उसी टाइप की आवाज़ है इसकी। और अपन ने ये सारा सा सारा कलेक्ट कर लिया है, और अब अपन करेंगे ये सोल स्टोन नहीं है ना, सोल सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारी सोल सैंड इकट्ठी कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है।
तो आई थिंक अभी के लिए सोल सैंड इतनी काफ़ी होगी। थोड़े बहुत अपन ये भी ले लेते हैं, ये भी काफ़ी सही चीज़ है। इससे भी अपन को थोड़े बहुत फार्म और बनाने में हेल्प मिलता है। इससे अपन किलिंग चैम्बर बना सकते हैं, जैसे आयरन फार्म और के लिए होता है, तो वो अपने लिए काफ़ी सही होगा, क्योंकि ये देखो डैमेज देता है ऐसे अगर इनके ऊपर चलते हैं तो अपन। तो फटाफट से इसको पूरे को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इतना ही कलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में लावा भी आ रहा है, और लावा के साथ में मैं बिल्कुल भी रिस्क लेने के लिए अभी के लिए रेडी नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ना मेरे पास में आर्मर है ना मेरे पास में कुछ और है, वरना मैं टिकूंगा भी नहीं लावा के सामने। तो फटाफट से थोड़ा और ऊपर बिल्ड करते हैं, और मैं थोड़ा सा ये कॉर्ड ले लेता हूँ जिस मेन काम के लिए मैं एग्जैक्टली यहाँ पे आया था। ये रहा यहाँ पे अपना जोम्बी फाइट पिगलिन, तो इसके साथ में अपन ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। तो को मैं दिखाता हूँ इसके साथ में ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पे और कोई है भी नहीं, यहाँ पे ये एक ही है वैसा बंदा, तो इसको अपन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ये देखो ये यहाँ पे उठाएगा इसको और यहाँ पे चेक करेगा सबसे पहले, ठीक है। ये चेक करके फिर अपन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। तो आप एक काम कर दें, उसको तब तक यहाँ पे इसको गिरा सकते हैं आप, पर ये ऐसे गिरेगा नहीं, आपको फटाफट से गिराना होगा, ठीक है। और उसने अपन को एक चार्ज बोल दिया है कि जो कि अपने आई थिंक काम भी आ सकता है। तो अभी अपने पास में इतने ज़्यादा गोल्ड है नहीं कि अपन इसको कर सके, तो अपन ढेर सारा गोल्ड इकट्ठा करने के बाद में इनसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं ये चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, अपन ज़्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास में अभी आर्मर नहीं है। तो अगर काफ़ी सारे अपने पास में बंदे और आ गए तो अपन उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा बहुत मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ मैं अपने नॉर्मल हैंड से कि मेरे को फ्लिंट एंड स्टील भी यहाँ पे मिल जाए। तो मैं फटाफट से ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा। तो फाइनली अपन को एक फ्लिंट एंड स्टील फ्लिंट मिल चुका है, तो इससे अपन एक फ्लिंट एंड स्टील भी बना पाएंगे। फटाफट से चलते हैं इसी के साथ में ऊपर की साइड में अपन, ठीक है। अपना हंगर बार कम हो गया, रुको मैं खा लेता हूँ। ये देखिए ये ऐसे करके डैमेज भी देता है अपन को। तो फटाफट से हंगर बार फुल करता हूँ मैं अपना, और फिर चलते हैं अपन इस साइड में वापस से अपने घर की साइड में। और ऊपर कहीं पे गास्ट भी है, तो एक काम करता हूँ मैं साथ में जो मैंने पहले के लिए, हाँ ग्लो स्टोन मैंने तोड़े थे, थोड़े और तोड़ लेते हैं अपन। ग्लो स्टोन अपने काफ़ी काम आ जाएंगे, ग्लो स्टोन है जो। और आई थिंक इसके ऊपर पूरा का पूरा एक और थोड़ा बहुत है सामान और है, तो देखते हैं इसके बाद में ऊपर भी जाने का ट्राई करेंगे। इस वाली वीडियो में नहीं, ऑफकोर्स नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि इस वाली वीडियो में बस आपको थोड़ा बहुत जानकारी देनी थी मेरे को इसके बारे में। और ये देखिए कितना बड़ा है उधर वो रही घास्ट, इससे मैं अभी फाइट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास में अच्छी बो नहीं है सबसे पहले, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें मैं यहीं पर ही पड़ी रहने दूंगा, जैसे ये हो गई। और ये रहा अपना जोम्बी फाइट पिगलिन इस वाली को, और तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑलरेडी है अपने, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं इनके लिए यहाँ पे एक किलिंग खो देते हैं जगह है जो, ताकि ये यहाँ पे अटके रहें, ठीक है। और अपन के पास में और गोल्ड वो रहा, अपने पास में गोल्ड है काफ़ी अच्छा खासा, तो इसको फटाफट से गोल्ड को भी, इस वाले गोल्ड को भी माइन करने का ट्राई करता हूँ मैं। ने देखा तो नहीं ना, नहीं, वो नहीं देख रहा, नहीं देख रहा वो। तो उनको अपन क्या करेंगे, उस चैम्बर में डाल देंगे। और मैं आपको एक बता भी दूंगा कि कैसे एक इसका भी फार्म बनाया जाता है, अगर आपके पास में एक इनफ गोल्ड हो जाता है तो, ठीक है। तो इसको फटाफट से तोड़ लेंगे अपन, ताकि अपने पास में सारा का सारा सामान कलेक्ट भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से चले गए अपन,
और यहाँ पे अपन अपना क्राफ्टिंग टेबल वापस से नीचे की साइड में रख लेंगे, और ये वाला क्राफ्टिंग टेबल भी मैं यहीं पर ही छोड़ दूंगा ताकि अगर मैं इन फ्यूचर कहीं पे कभी भूल जाऊँ तो मैं रख सकूँ। तो मैंने 4 इंगट बना लिए हैं, तो यहाँ पे मैं एक इंगट को मैं बताता हूँ, इनको अपन यहीं पर ही रखने का ट्राई करेंगे, यहीं पर ही कहीं पर। तो इनको फटाफट से मैं थोड़ा सा एक एरिया टाइप में बना लेता हूँ ईजी सा, ताकि मैं इनके साथ में ट्रेड कर सकूँ आराम से। तो यहाँ पे इसको गिराएंगे, इसको गिराएंगे अपन। तो अब इसको इसको बुलाएंगे अपन, तो इसको भी अपन बुलाएंगे ऐसा करके वापस से। तो अपन को ऑब्सीडियन इसने दे दिया, और यहाँ पे ये तीनों के तीनों नीचे की तरफ जा चुके हैं। इसको फटाफट से खोद देंगे पूरे को। और अब मैं बताता हूँ इसका क्या करना है आपको। यहाँ से थोड़ा नीचे की साइड में अगर आप, ओ भाई इधर लावा है, मैं नहीं जा रहा इधर, मैं नहीं जा रहा वापस से। अगर मैं इनको एक कदम और अगर मैं इनको खोदता ना, तो ये लोग पक्का का पक्का लावा के अंदर गिर जाते हैं। तो एक काम करेंगे अपन, है ना, इनको एक एक स्टेप और सेट 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 सेट। ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 हो रखे थे और मैंने देखा भी नहीं था। तो फटाफट से इधर इसको एक एक दिशा में और खोद देते हैं पूरा, ताकि ये पूरा ओपन हो जाए। पर मैं इनको फिर भी जाने नहीं दूंगा अभी इनको इस वाली चीज को लेके। और मैं क्या करूँगा, इस साइड में एक पानी डाल दूंगा, और यहाँ पे एक हॉपर डालने का मैं ट्राई करूँगा, तो वो मैं बना लूँगा बाद का बाद में। तो अभी फटाफट से अपन चलते हैं अपने वापस से वर्ल्ड के अंदर। और अपना काम हो चुका है, अपन ने उससे लूट क्या 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 किया। और यहाँ पे एक ये वाला पिगलिन आ रखा है, यहाँ पे ये वही पिगलिन आई थिंक, हाँ ये वही पिगलिन है। तो इसको यहाँ से धकेल धकेल के धकेल धकेल के मैं डाल दूंगा इसी के अंदर की साइड में। या फिर एक काम, हाँ तू जा, तू वापिस चला जाए, काम कर, वरना इसको अपन मार भी सकते हैं। चलो वो अंदर चला गया, बहुत ही बढ़िया हुआ। तो आई थिंक अभी नाइट नाइट नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या इकट्ठा किया है वहाँ से। तो मैं सारा का सारा सामान यहाँ पे डाल देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, और ये ऑब्सिडियन। तो अपन ने इतना सामान यहाँ पे इकट्ठा किया है, मैंने बोन ब्लॉक इकट्ठे किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्मा ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, सोल सैंड भी इंपॉर्टेंट है, नेदर क्वार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से अपना जो ऑब्जर्वर होता है तो वो बनता है। तो इनको फटाफट से मैं लेता हूँ सबको, और चलते हैं अपने घर, ठीक है, फटाफट से चलते हैं इधर की साइड में, अपन ऊपर की साइड में वापस से चलते हैं। बेड में वहीं पे छोड़ रहा हूँ वो वाला बेड भी, ताकि अपने हर एक जगह पे एक ना एक बेड रहे। तो दोस्तों आज की यही वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप नेदर में कैसे जाते हो और कितना इजीली कर सकते हो। आप मेरी वाली गलती मत करना, मैं सही में मेरे दिमाग से निकल गई थी कि ऐसे ब्लॉक के ऊपर खड़ा होकर नेदर में माइन करना सेफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आज कोई दूसरा आउट्रो नहीं करते, यहीं पे गेम में आउट्रो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आएगी अब अच्छी खासी सुगर फार्म की, आई थिंक सुगर कैन फार्म की, उसके अंदर एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।